इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमने कई सारे मेथड करे, जैसे अगर हमें किसी ऐसी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करना है जो हमारे पास हो, जैसे कोई माउंटेन, कोई ट्री या कोई बिल्डिंग, तो ऐसी ऑब्जेक्ट के लिए हमने मेथड यूज़ किया ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड या ट्राइंगुलेशन मेथड भी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हमने ऐसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र किया जो स्पेस में है या अर्थ की सरफेस से ऊपर होती है, जैसे मून, सन या कोई भी प्लैनेट। तो ऐसे स्टार के लिए या प्लैनेट्स के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो ये चाहे ट्राइंगुलेशन मेथड हो, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ के पास हो यानी अर्थ की सरफेस पर हो, या प्लैनेट, अर्थ या स्टार, तो चाहे ट्राइंगुलेशन मेथड हो चाहे पैरेलैक्स मेथड हो, तो ये जो दोनों मेथड हैं ये हैं लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। लेकिन अगर हमें कोई बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस को मेज़र करना है, यानी रेडियस ऑफ एटम या साइज ऑफ एटम, तो इसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है। तो वो हम करने जा रहे हैं कि अगर हमें कोई छोटी सी मेजरमेंट लेनी है, माइनर मेजरमेंट लेनी है, तो वो हम कैसे करें। तो हमारा आर्टिकल है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। तो ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज हम कैसे पता करेंगे वो हम देखते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का साइज हम कैसे पता करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 cm³ ऑलिक एसिड लेंगे और उसको हम ऐड करेंगे। तो इस आर्टिकल को हम कैसे करेंगे, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 cm³ ऑलिक एसिड लेंगे और इसको हम ऐड करेंगे 20 cm³ अल्कोहल में, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा। जब हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया तो इस सॉल्यूशन में से हम दोबारा से क्या लेंगे, 1 cm³ सॉल्यूशन ले लेंगे, यानी पूरे सॉल्यूशन में से केवल कितना लेंगे, 1 cm³ सॉल्यूशन, और उस 1 cm³ सॉल्यूशन जो इसमें से लिया है हमने उसको दोबारा हम ऐड करेंगे 20 cm³ अल्कोहल में। अब ये जो हमारे पास नया सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में से हम क्या लेंगे, एन ड्रॉप लेंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप इज इक्वल टू हम मान के चलेंगे एन वी। तो जहां एन क्या है नंबर ऑफ ड्रॉप और वी क्या है वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। तो इस सॉल्यूशन में से हमने एन ड्रॉप ले लिया और एन ड्रॉप का वॉल्यूम क्या हो गया एन वी। चलिए, वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन सॉल्यूशन, यानी ये जो हमारा पूरा सॉल्यूशन बना है इसमें ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना है, तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना है एन वी, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 20, पहले का 20 और ले लिया तो यानी 400। तो इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। तो सॉल्यूशन में ऑलिक एसिड का जो वॉल्यूम है या उसकी कंसंट्रेशन है वो एन वी अपॉन 400। अब हम क्या करेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे और उस ये हमारे पास सॉल्यूशन, अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन के ये जो हमारा एक कंटेनर में सॉल्यूशन लिया और उसके ऊपर हमने लाइकोपोडियम पाउडर ये ऐसे रख दिया। तो ये जो लाइकोपोडियम पाउडर है वो सॉल्यूशन की सरफेस पर रहेगा और इसके अंदर से ऑलिक एसिड को क्या करेगा, खींच लेगा। तो सारा का सारा ऑलिक एसिड सरफेस पर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा और सरफेस पर हमारे पास एक ऑलिक एसिड की क्या बन जाएगी, थिन लेयर। मान लीजिए ये जो थिन लेयर बनी इसकी थिकनेस कितनी है टी, और ये जो एरिया आएगा इस लेयर का जो एरिया आएगा ये जो एरिया आएगा मान लीजिए वो एरिया क्या हो गया ए। तो वॉल्यूम ऑफ
ऑलोइक एसिड लेयर इज इक्वल टू एरिया का फॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, तो वो हो जाएगा ए इंटू टी। इक्वेशन नंबर टू, तो वॉल्यूम ऑफ ऑलोइक एसिड दिस, वॉल्यूम ऑफ ऑलोइक एसिड दिस, तो बाय इक्वेशन वन एंड टू ए इंटू टी इज इक्वल टू एन वी ओवर 400। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन वी अपॉन 400 इंटू ए। तो इस तरह से हम इस लेयर की थिकनेस को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, जो होगी एन वी अपॉन 400 ए। और ये जो टी थिकनेस है ये रिप्रेजेंट क्या करेगी, ये इसके अंदर ऑलोइक एसिड के डायामीटर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये जो इसके अंदर लेयर में ऑलोइक एसिड होंगे, तो ये जो थिकनेस है उन लेयर में जो ऑलोइक एसिड के मॉलिक्यूल है, इस लेयर में जो ऑलोइक एसिड का मॉलिक्यूल है, तो ये जो थिकनेस है उन मॉलिक्यूल के डायामीटर को क्या करेगी, रिप्रेजेंट, यानी टी रिप्रेजेंट करेगा डायामीटर ऑफ ऑलोइक एसिड मॉलिक्यूल। नाउ वी हैव द मेजरमेंट ऑफ मास। मास को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, जैसे वन टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, वन क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, वन स्लग इज इक्वल टू 14.57 किलोग्राम, वन पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 किलोग्राम, वन चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ द सन। मैं आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन आता है विच इज द लार्जेस्ट या बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास, मास को रिप्रेजेंट करने की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो वो होती है चंद्रशेखर लिमिट। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। तो ये वैल्यूज आपको बेटा याद होनी चाहिए। नाउ वी हैव द सम मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है सोलर डे, यानी जिसको हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में डे बोलते हैं। तो इट इज द टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस बाय अर्थ। अर्थ जितने टाइम में अपनी एक्सिस का एक रोटेशन ले लेती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर डे, जिसकी वैल्यू नॉर्मल क्या होती है हमारी 24 आवर। इसके बाद सोलर ईयर, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट सन, यानी अर्थ सन के चारों तरफ एक रोटेशन में जितना टाइम लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर ईयर, या हम अपनी आम भाषा में जिसको वन ईयर बोलते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है, 365.25 days। ओके, इसके बाद आता है सैड्रियल डे। सैड्रियल डे क्या होता है, टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट अ फार स्टार। जरूरी नहीं है कि हमारी अर्थ सन के चारों ओर ही रिवॉल्व कर रही है, देयर आर लॉट ऑफ स्टार इन अवर यूनिवर्स। तो रैंडमली अगर हम कोई भी एक स्टार लें और अर्थ का उस स्टार के चारों तरफ एक रोटेशन कंसिडर करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन सैटरियल डे। अब इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये डिपेंड करेगा कौन सा स्टार क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ल्यूनर मंथ, टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड अर्थ। मून अर्थ के चारों ओर एक कंप्लीट रोटेशन में जितना टाइम लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, लूनर मंथ। और उसकी वैल्यू होती है 27.3 days। ओके, एंड नाउ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, वन शेक इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड। ये टाइम की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वन शेक 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए या इनके बारे में आपको, इनकी ये नॉमिक्लेचर आपको पता होनी चाहिए। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, आपको कोई भी एक नंबर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूँ 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, दूसरा नंबर लेता हूँ 5.0 इंटू 10 की पावर
थ्री, और एक नंबर मैंने लिया 8.1 × 10^2, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया माइनस के 4। चलिए तो ये हमारे पास कुछ नंबर है और आपसे कहा जाएगा इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है तरीका है, कैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी आपको कोई भी एक नंबर दिया जाए और आपसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपको पावर देखिए क्या दिखाई दे रही है, 10^-6, 10^-6। यहाँ पावर क्या दिखाई दे रही है, 10^3। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 10^-14। तो जो भी 10^ है उसको लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 4.2, 5 और 8.1। तो एक सीधा सा रूल है, अगर नंबर 5 से छोटा है, अगर नंबर क्या है 5 से छोटा, तो हम लिख लेंगे 1, ओके। और अगर यहां देखें 4.25 से छोटा है तो हमने क्या ले लिया, 1। और अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो हम लेंगे 10। जैसे यहां पर नंबर अगर 5 से छोटा है तो हम उसकी जगह 1 ले लेंगे, और नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो उसकी जगह 10 ले लेंगे। जैसे ये 5 है और 8.1 5 से बड़ा है तो हम क्या ले लेंगे यहां पर 10। तो देखे क्या आएगा, 10^-6 ये कितना हो जाएगा, 3 है, 1 और हो जाएगा, तो 10^4 -4 और +1 तो क्या हो जाएगा, 10^-3। तो इस नंबर का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10^-6 है, इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10^4 है, इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10^ क्या है, -3। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा और हम एग्जांपल करके आपको बता देते हैं, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा सभी को। अगर मान लीजिए आपको नंबर दे दिया जाए 24 और 71, पर आपसे कहा जाए, इसी को देख लेते हैं, आपसे कहा जाए 24 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालिए। तो देखिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जरा एक बात देखिए, ये जो 24 है, आप कहेंगे सर यहां तो हमें 10^ दिखाई ही नहीं दे रही है, तो क्या मैं करूं, 24 × 10/10, मैं ऊपर नीचे 10 से क्या कर देता हूं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ये जो नीचे वाला 10 है इसको क्या बना देगा, 2.4 × 10। क्या बात समझ आ गई, अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो जो 10 है उसको तो हमने ऐसे लिख लिया 10^1। अब इसको देखिए 2.4, तो ये क्या है, 5 से छोटा है तो उसको हम क्या ले लेंगे, 1। तो यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे, 10^ में लिखेंगे, और 10^ से जो नंबर है पहले वो 1 और 10 के बीच एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे अभी हम आपको बताए थे, मान लीजिए हम आप कहते हैं 523, ये कोई नंबर है, इसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 523 हम 100 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो 10 से, और 3 डिजिट का है तो 100 से, और 4 डिजिट का होता तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला 100 इसको क्या बना देगा, 5.23, और ये क्या बन जाएगा, 10^, ये 100 क्या बन जाएगा, 10^2, नीचे वाले ने इसको क्या बना दिया, 5.3। तो आपसे क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, 10^2 तो एज इट इज। अब ये नंबर देखिए क्या है, 5 से बड़ा है, 5.23 क्या है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, और 10^3। तो ये है तरीका, किसी भी नंबर का आप क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड।